सर आप गुरुग्राम विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की सीट पर, आप चाहते हैं कि कांग्रेस आपको मौका दे, क्या लग रहा है आपको कि आपको कांग्रेस मौका देगी? देखो जी, अभी आपने देखा है जी, इस टाइम जो माहौल है वो कांग्रेस का है, और मेरा परिवार भी शुरू से जिस तरह से बोलते हैं ना जन्मजात, वो सारा मतलब कांग्रेस परिवार है। जहाँ तक मैं तो गवर्नमेंट सरेंडर हूँ रहा हूँ, मैं यहीं तीनों कॉलेजों में प्रोफेसर रहा हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 में 10,000 बच्चे हैं, द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज DSC कॉलेज जो 1954 का कॉलेज है वहाँ 10,000 बच्चे हैं हर साल होते हैं, सेक्टर 9 कॉलेज 5,000 बच्चे हैं, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ। तो के साथ साथ हमने जो है ना सोशल काम बहुत किया है, मैं तो हरियाणा स्टेट के हमारे टीचर एसोसिएशन है हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन, उसका मैं कई साल मैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मतलब यहाँ कॉलेजों में भी टीचर का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो हमने सेवा हर रूप में करी है। और अभी भी मैं जो है ना हमारे यहाँ पे बेरोजगारी का रेट जो है हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है इस टाइम, मैं जो TGD टीचर्स हैं PGT हैं या जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उसका मैंने मुद्दा कई सालों से उठाया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए बच्चे स्कॉलर्स हैं यूनिवर्सिटी टॉपर्स हैं जो बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं जो मतलब घूम रहे हैं सड़कों पर, हमने उनकी आवाज़ उठाई हुई है। और अब मैंने हर 15 दिन में महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए मैंने मौन जलूस प्रदर्शन किए हैं वहाँ पे चंडीगढ़ में पंचकूला हायर एजुकेशन ऑफिस शिक्षा सदन के बाहर सिर्फ गवर्नमेंट को जगाने के लिए। अभी वो जो हमें सफलता मिली है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हमारे कॉलेजों में 8400 पोस्ट हैं नियरली जी प्रोफेसर्स की, उसमें से 60% पोस्ट खाली पड़ती है, पड़ी है 60% कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है, एक एक प्रिंसिपल को 5-5 कॉलेज का चार्ज दिया हुआ है, मतलब हालत ये है। तो इसलिए हमने मतलब जो है ना CM साहब से अभी टाइम टू टाइम जाते रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कई बार ये फर्जीवाड़ा भी चाहे जो BJP गवर्नमेंट कहे, हम तो जी बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार हमने चलाई है, परंतु यहाँ घपले भी बहुत हुए हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, अभी 16 तारीख को जिस दिन आचार संहिता लगी जेंस पे था, कई हमारे साथ साथी भी थे, हमने ये बोला जी ये घोटाला है और आप जल्दी जल्दी भर्ती करो, कहते हैं हाँ ठीक है हम जल्दी से जल्दी करेंगे और ये जो है ना ये गलत काम नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात है 17 तारीख को उन्होंने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग करके उसी घोटाले को अंजाम दिया, उसी घोटाले को अंजाम दिया। देखो मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मेरी CM साहब से 16 तारीख को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, हमने खुल्लर साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया, आर के खुल्लर जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो CM है, मतलब ये हाल है। तो हमने देखो सोशल में काम किया है, अभी पिछले महीना पूरा महीना हमने जमीनी काम किया है, सारी जनता ने देखा, आपके सारे मीडिया साथी भी साथ रहे, उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। गुड़गांव जैसे विधानसभा क्षेत्र जिस पर दुनिया की नज़रें होती हैं, गुड़गांव आज हरियाणा को कोई नहीं जानता, गुड़गांव को हर कोई जानता है, मिलेनियम सिटी साइबर सिटी इतना बड़ा शहर है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें तो बड़ा अफसोस होता है, हम गुरुग्राम को एक कूड़ा ग्राम के नाम से जाना जा रहा है, इट्स रियली सॉरी। देखो सिविल हॉस्पिटल है नहीं, ये जर्जर हालत में सिविल हॉस्पिटल पड़ा है, बस अड्डा छोटे छोटे शहरों में हम जाते हैं, आप हांसी ले लो हिसार ले लो रोहते ले लो, बहुत बढ़िया बढ़िया बस अड्डे बने हुए हैं, गुड़गांव का इस टाइम सबसे वर्स्ट बस अड्डा है, मतलब बिल्कुल जर्जर हालत में बस अड्डा पड़ा है। हम सिविल हॉस्पिटल में हमने जाके आवाज़ उठाई, वहाँ पे जो पेशेंट है अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं नहीं है जितनी होनी चाहिए, मेडिसिन मिलती नहीं है, 2-3 सस्ती सी दवाइयाँ लिख देते हैं, बाकी कहते हैं जी बाहर से ले लो, एक्सरे कहते हैं बाहर से ले लो, इतना महंगा शहर है। आज गुड़गांव जैसे शहर में डॉक्टर 1000 पे छोटे से हाथ मतलब हाथ लगाने के पल्स रेट चेक करने के 1000 पे ले लेता है, इतनी महंगी दवाइयाँ, इतना महंगा शहर है गुड़गांव, जहाँ पे चाहे वो एजुकेशन ले लो चाहे अपने हेल्थ सर्विस ले लो। तो गवर्नमेंट का जो बंटाधार कर ही चुकी है, तो उसकी हमने पूरी आवाज़ उठाई है, और अगर हमें विधानसभा कांग्रेस अगर हमें गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी अगर हमें सीट देती है तो आई अश्योर आई शैल डू माई बेस्ट और हम सीट जरूर से जरूर जीतेंगे। एक बेहद अहम सवाल जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या 60% जो लोगों की आपने बात की है, यदि आपको मौका मिलता है तो क्या इस मुद्दे को आप विधानसभा तक लेकर जाएंगे? और मेरा दूसरा सवाल आम जनता को असल में जरूरत होती है शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार का, तीनों का ही आपने अपनी बातों में जिक्र किया, तो क्या ये आम मुद्दे कुछ खास मुद्दों के साथ आप विधानसभा लेकर पहुंचेंगे यदि आपको मौका मिलता है?
देखो जी, ये जो आपने बताई है ये मूलभूत सुविधाएं हैं जी। गरीब बंदे को क्या चाहिए? गवर्नमेंट स्कूल में मजदूर को, गरीब व्यक्ति को, सिर्फ वो चाहता है मुझे स्कूलिंग बच्चे को मिल जाए, गवर्नमेंट स्कूल की हालत बढ़िया हो। अब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं ना, तो 5-6 हज़ार रुपये आपका साल का खर्चा होता है, और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं 50-60 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। हाँ जी, तो अगर गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में अगर स्टाफ बढ़िया मिल जाए, अगर वहाँ पे सुविधाएं अच्छी मिल जाएं, वहाँ पे पानी नहीं मिलता आपको पीने का, आप चले जाओ, पंखे नहीं चलते वहाँ पे, लगे तो होते हैं, वो पता कब चलते हैं? जब बड़ी सर्दियाँ आ जाती हैं, ये हाल होता है। मतलब इट इज़ अ सिस्टम, बट इट इज ये होता है। हमें पता है ना, हमने मेहनत करी है जीवन में, हमें तो ये पता है, गॉड ब्लेस। अगर मुझे मौका मिलता है ना, मुझे पता है क्या सिस्टम होता है। मैंने 40 साल से मैं प्रोफेसर हूँ, आज भी आई एम टीचिंग, आज भी मैं 20 घंटे रोड पे रहता हूँ, 20 आवर्स, मतलब 5-4 घंटे, जैसे मोदी साहब कहते हैं ना मैं सोता हूँ, हमारा भी यही हाल है, हम इतना काम करते हैं आज भी। अगर हमें चांस मिलता है तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ये जो सिस्टम है वो मुझे पता है, ये हमारे नाम से अपने आप ही सिस्टम अपने आप सुधार हो जाएगा। विधानसभा तो दूर की बात है, वहाँ पे क्या बातें होती हैं। अगर एक बार हम बोलते हैं, अभी हमने आपको सीएम साहब का भी बोला, अभी हम मैं बता रहा हूँ, 16 तारीख को हम गए और 17 तारीख को उन्होंने जो फैसला लिया उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। एसटेट जो है ये परीक्षा होती है, तो उसमें क्या टाइम बाउंड होता है, इसका टाइम एक्सपायर हो जाता है, बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, 8-8, 10-10 साल भर्ती नहीं होती। अभी हमने ईसीएम से ईएम से अच्छी तरह से लड़े, फाइलें चलवाई, डायरेक्टर से मिले अभी महीना पहले ही, उन्हें जो है ना, चाहे वो वोटों की राजनीति के चलते, उन्होंने एसटेट को, हम तो ये बोल दे रहे इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ, इट शुड बी वैलिड फॉर, एक्सटेंशन दो, अब उन्होंने लाइफ लॉन्ग कर दिया है, एसटेट विल बी वैलिड फॉर दी होल लाइफ। अगर आपके पास 15 साल 20 साल पहले भी अगर आपने एसटेट पास किया है ना, तो इट विल बी वैलिड। तो मतलब हमें पता है क्या हो सकता है। ये अनपढ़ गवार हमारे मंत्री बना देते हैं, हमें पता है हरियाणा में मंत्री रहा, उसको 176,000 पढ़ना नहीं आया, उसको क्या पता है एजुकेशन क्या होती है, क्या पता क्या सुधार होता है। हमने देखा सिविल हॉस्पिटल में, हम गए खानसा मंडी में, जरा सी बारिश हो जाए मंत्री साहब जाएं तो सही वहाँ पे, जब सीएम कहीं पे आता है तो वहाँ पे सफाई हो जाती हैं। अरे सफाई आप परमानेंट करो ना वहाँ पे, सिविल हॉस्पिटल है नहीं, बस अड्डा है नहीं, थोड़ी सी बारिश आ जाए पानी 5-5 फीट हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये गुड़गांव है, हमें बाहर हम देखते हैं ना जी, आप गुड़गांव में रहते हैं, हम गुड़गांव में रहते हैं, वहाँ हमें शर्म आती है, वो कहते हैं वहाँ पे तो यह हाल हुआ पड़ा है। ये सच्चाई है, हम तो सीएम से बोलते रहे, सरकार को भी जगाते रहे, भाई करो यार कुछ करो, अगर हमें चांस दे दो, अगर हमें जनता चांस देती है तो हम तो उनके साथ हैं, हम तो कूड़े वाले बंदे, कूड़े के ऊपर खड़े हो जाएंगे, हॉस्पिटल अंदर बैठेंगे, स्कूल के अंदर बैठेंगे। ये मैं कैमरे के, मैं आई एम ए प्रोफेसर, आई एम, हम राजनेता नहीं है, हम टीचर है, हम प्रोफेसर है, हमें पता है क्या हो सकता है, आई शैल डू माई बेस्ट। सर विपक्ष वाले बोलते हैं जो भी कार्य किए गए पहले कांग्रेस राज में, उस समय में जो प्लान से नहीं किया गया उस वजह से पानी भरता है। देखो जी, इसके बारे में क्या कहें? देखो कांग्रेस राज गए 9.5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 9.5 तो क्या 10 साल हो गए, 10 साल में क्या किया इन्होंने, 10 साल में गुड़गांव में क्या किया बताओ, कोई मेट्रो का थम्बा लगाया उन्होंने, 10 साल में सिविल हॉस्पिटल पहले चलता था, ऐसी बात नहीं था, इन्होंने नया बनाया वहाँ पे, सिविल हॉस्पिटल बनाया, वहाँ पे दवाई नहीं मिलती, वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलता, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मैंने देखा है, रियली इट्स सॉरी मैं कह रहा हूँ कैमरे के सामने, प्रेग्नेंट लेडी लंबी लंबी लाइनों में लगी खड़ी है वहाँ पे। ये है गुड़गांव, मतलब ये भाजपा गवर्नमेंट ने बनाया। नारे तो जो मर्जी बोल दो आप, बस अड्डे के हालात आप देख लो, बस अड्डा दिखा दो कांग्रेस में, बस अड्डा कैसा था और आज बस अड्डा कैसा है, बस अड्डे पे कौन जाता है? कोई नहीं जाता वहाँ पे, गाड़ी वाला नहीं जाएगा, वो वहाँ पे जाएगा गरीब, जो जिसको बिल्कुल साधारण सी यात्रा मिनिमम पैसे में 10-20-30-40-50 रुपये में करनी है, वो बस अड्डे पे जाता है। वहाँ पानी नहीं मिलेगा, शौचालय वहाँ बना हुआ है, 10 रुपये शौचालय के चार्ज करता है शौचालय जाने के, वहाँ भी सुविधा नहीं है बताओ, तो और क्या सुविधाएं देना चाह रही है? कांग्रेस राज और इसमें फर्क है, अगर कांग्रेस राज से आप जनता असंतुष्ट थी तभी तो भाजपा को चुना, दो बार यहाँ पे राज कर लिया आपने 10 साल, अब लोग आपको फुर्सत जो है ना ठेंगा दिखाना चाह रहे हैं, आपको ठेंगा लोकसभा के चुनाव में दिखाया है, आप 400 पार करके बेवकूफ बना गए, पिछली बार भी आप विधानसभा में 2019 में
70 पार करते रहे, 75 पार होता रहा, आपने देखा क्या हाल हुआ, और फिर भी आपने उन पार्टियों से मिलकर गवर्नमेंट चलाई जो गठबंधन बना के अब एक दूसरे को वो गालियां दे रहे हैं, चाहे वो जेजेपी थी चाहे भाजपा थी, है? पिछली बार भी आपको सब आपको वो थोड़ा मिली है, मेजोरिटी थोड़ा मिली है, पिछली बार भी आपने इधर उधर से तोड़ फोड़ करके आपने अपनी बना ली अपनी सरकार।